जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख रजनी देवी के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद आज भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय में वोटिंग की प्रक्रिया की गई, जिसमें गुड़िया देवी के पक्ष में 18 वार्ड सदस्यों ने मतदान किया, जबकि रजनी देवी सदर अनुमंडल कार्यालय नहीं पहुंची, जिसके बाद गुड़िया देवी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख के तौर पर जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद जैसे ही गुड़िया देवी अनुमंडल कार्यालय से बाहर निकली, समर्थकों ने फूलमाला और गुलाल लगाकर जोरदार स्वागत किया। गुड़िया देवी ने बताया कि निवर्तमान प्रखंड प्रमुख रजनी देवी के कार्यकाल में प्रखंड का विकास अवरुद्ध हो रहा था, जिसके बाद वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अब प्रखंड में तेज गति से विकास कार्य संभव हो पाएगा। सब समिति को लेकर चलेंगे, प्रखंड का विकास करेंगे। हम लोग एक बार उसको निर्विरोध चुने, सारा समिति सब समिति थोड़ा उसे उस टाइम बैठक नहीं होता था, कोई किसी का कार्य नहीं होता था, सब परेशान था। सब समिति मिल के अविश्वास लाया और सब समिति का आभार करता हूँ कि सब एकजुट होके लगे रहे और अपना कार्य को पूरा किए। और हमारे अजय राय जी मुखिया जी हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है यहाँ तक लाने में। ये आज हमारे प्रखंड में प्रमुख जी कुछ सब समिति चुने गए हैं। हम सभी समिति को धन्यवाद देते हैं कि जो पहले जो प्रमुख थे वो जो है कभी भी जो है बैठक टाइम पे नहीं करता था, विकास में बाधित होता था, इसलिए जो है सभी समिति जो है इनको गुड़िया देवी को चुना गया, इनको प्रमुख बनाया गया। आप लोग को धन्यवाद। अब जो है बहुत तेज़ी से विकास होगा, दौड़ेगा, इसलिए रात दिन जो है ये जो है गुड़िया देवी लगे रहता है, इसलिए विकास का ही रुकावट नहीं होगा, विकास का जो है जगदीशपुर प्रखंड में लहर चलेगा। आप लोग को जानकारी होगी कि जगदीशपुर प्रखंड के प्रमुख पद के लिए आज उपनिर्वाचन होना था, इसमें कुल जितने भी मेंबर थे उपस्थित हुए, नियमानुसार एक घंटा वेट किया गया और उसमें से केवल एक ही नामांकन प्राप्त हुआ और उनको निर्विरोध घोषित किया गया। तो गुड़िया देवी हैं, उनको निर्विरोध घोषित किया गया चयनित प्रमुख के पद पर। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जिसमें सड़कें अभी तक नहीं बन पाई है। जी हां, भागलपुर के कहलगांव शिवनारायणपुर में दो परिवार के बीच विवाद के चलते वहां पर सरकारी सड़क नहीं बन पाई है, जबकि वहां नक्शे में सरकारी सड़क दिखाई देती है। चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, किसी योजना की नजर उस सड़क पर इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि दो परिवारों में जमीन को लेकर आपसी रंजिश चल रही है। वहीं इसको लेकर आज एक युवती जिलाधिकारी से मिलने पहुंची और एक आवेदन दिया, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सड़क एवं नाले का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए क्योंकि वहां गंदगी फैली रहती है और लोगों को आने जाने में परेशानियां होती है। साथ ही उसने यह भी कहा कि सड़क होते हुए भी सड़क का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ना ही सड़क बन पा रही है, इस पर संज्ञान लिया जाए और सड़क बनवाई जाए जिससे आमजनों को इससे सुविधा हो। सड़क और नाला निर्माण कराने के लिए आवेदन देने आए हैं डीएम सर के यहाँ। मामला क्या कि मामला है यह है कि 50 साल से यह जो है नक्शा पर ही सड़क है लेकिन धरातल पर आज तक नहीं उतरा है, तो हम चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द सड़क और नाला का निर्माण जिला द्वारा कराया जाए। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की गई है? हाँ, जनप्रतिनिधि से भी बातचीत हुई है लेकिन सब लोग जो है ना, पूर्व मुखिया बबलू कुमार हैं उनसे भी बात हुई थी लेकिन वो भी कोई ध्यान नहीं दिए। उनसे पहले राम सुंदर जी थे राजबल्लभ मुखिया, वो भी ध्यान नहीं दिए। वहाँ पर जो है गोतिहारी कुछ विवाद भी है, बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा है 50 साल से। मेरे गोतिया लोग जो हैं वह चाहते हैं कि सड़क का ज़मीन बचा रह जाए और जो निजी ज़मीन है उसमें सड़क बना दिया जाए, इस वजह से जो है नहीं बन पा रहा है सड़क। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिला द्वारा नापी करा करके और तुरंत चिन्हित करा कर ज़मीन को, सड़क का ज़मीन को चिन्हित करा कर और उसको सड़क और नाला का निर्माण करा दिया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में 3 मार्च को बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से भव्य निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। निशान शोभा यात्रा में देश के कई राज्यों से भगवान भोलेनाथ के भक्त भागलपुर पहुंचेंगे। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए इस बार स्थानीय कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाया गया है। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के भक्तों के द्वारा पूरे देश में ये पहला ऐसा कार्यक्रम होता है जो महादेव के लिए निशान यात्रा होती है। आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा कि भोलेनाथ की निशान यात्रा, ये सिर्फ भागलपुर में बूढ़ानाथ भक्त मंडल के जो भक्त हैं वही कर निकालते हैं और ये अद्भुत है, अनूठा है। इस कार्यक्रम से ही शिवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। आप कह सकते हैं कि भागलपुर में होली का माहौल तैयार हो जाता है और क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हजारों लोग महादेव की भक्ति में डूबते हुए कंधे पर निशान लेकर महादेव को अर्पित करने के लिए पूरे शहर में निकलते हैं। शहर के हर प्रमुख मार्गों से होकर जगह जगह शहरवासी इस निशान यात्रा पर अपने आशीर्वाद पुष्प रूपी वर्षा के माध्यम से करते हैं और महादेव के नारे लगाते हुए सभी भक्त बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां जाकर जलाभिषेक होता है, भंडारे का आयोजन होता है। उसके पश्चात रात्रि में, इसके पहले देश के अलग अलग क्षेत्र से कलाकार आते थे। ये 9वां उत्सव है, इसके पहले 8 हो गया, 9वां उत्सव है जो भक्तों के द्वारा होता है। और इस उत्सव की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें चंदा नहीं होता। जो भक्त मंडल के सदस्य हैं वही अपना स्वयं कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी क्षमता के अनुरूप लोग सहयोग करते हैं और महादेव के शान में, उनकी शान बढ़ाने के लिए सभी भक्त भक्ति में डूबकर अपनी इस यात्रा को एक फलदायी यात्रा बनाने के लिए प्रयास करते हैं। सिर्फ भागलपुर नगर नहीं, अंग प्रदेश के अलग अलग हिस्से से या देश के भी कई जगह से लोग, जो यहाँ के व्यापारी समाज हैं, मारवाड़ी समाज के लोग हैं, जो इधर उधर चले गए हैं, वो भी इस विशेष अवसर के साक्षी बनने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। बिहार में विकास एवं सुशासन के प्रतीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जदयू भागलपुर द्वारा विशेष कार्यक्रम के काट कर एवं उनकी तस्वीर को केक खिलाकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान भागलपुर जिला के जदयू जिला कमेटी, सभी सेक्टर के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। सबों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व गले लगाकर नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया। वहीं जदयू के जिला प्रवक्ता सुपाल भारती ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जनता एक बार नीतीश कुमार को देश सेवा करने का मौका दे, उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दे। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव को लेकर भी कई बिंदुओं पर वार्ता की। जिला जनता दल की ओर से हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष सिंह साहब के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ है मौर्य विवाह भवन में। जन्मदिन हमारे सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम लोग मना रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हमारे नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मी बाबू, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ सह हमारे कहलगांव नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं, दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और तमाम साथी, आईटी सेल के संयोजक रमेश कुशवाहा जी और जनता दल यूनाइटेड का पूरा परिवार, जिला कमेटी और सभी प्रकोष्ठ के सम्मानित साथी आए हैं। सब हम लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ आज जन्मदिन उनका मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, आपस में मिठाई खा भी रहे हैं और इस
बेला में मैं अपनी ओर से यही शुभकामना देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं हमारे नेता को एक बार देश का सेवा करने का मौका मिले और देश का प्रधानमंत्री आगामी 2024 के चुनाव के बाद हमारे नेता हों। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। कहना क्या है, हम लोग बिहार के विकास के प्रतीक उनको मानते हैं, विकास पुरुष उनका नाम है, सब जानते हैं, जब जाहिर है पूरे बिहार में विकास के नाम से जाना जाता है और उन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज जन्म दिवस है। हम लोग खुशी मना रहे हैं, आपस में मिठाई खा रहे हैं और हम दीर्घायु आने की शुभकामना देते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के भारत का भी प्रधानमंत्री बने, यही आज का संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम सभी लोग जान रहे हैं कि न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और आज वह कितना जा करके विकास किए हैं उसका नाम बिहार में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका नाम फैल गया है और समूचा भारत आज माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और यही इच्छा हम लोगों को प्रत्येक बिहारियों की है कि वह एक बार प्रधानमंत्री बने और इसके लिए हम लोग अपने भागलपुर की तरफ से उनको शुभकामना देता हूं और यह उनकी लंबी आयु और जाकर के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए और उनको प्रधानमंत्री का पद मिले इसी के साथ उनको बहुत बहुत शुभकामना और उसको बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भागलपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जदयू भागलपुर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन पर केक काटा और तस्वीर को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान भागलपुर जिला के जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अति पिछड़ा जिलाध्यक्ष सीपू कुमार मंडल एवं उनकी टीम के द्वारा बैजाने स्थित अपने आवास पर नीतीश कुमार का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। जदयू अति पिछड़ा के पूर्व जिलाध्यक्ष सीपू कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार हमारे आदर्श हैं, उन्हीं के कदमों पर चलकर हम लोग जदयू को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में रोशन कुमार, हीरा दास, विशाल कुमार, रुपेश कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन हम लोग बहुत ही सब मिल के जदयू के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, सबको मिल के जदयू का आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आज हम लोग जन्मदिन मनाए और बहुत ही खुशी होती है ऐसे विकास पुरुष आदमी का जन्मदिन मनाने में, क्योंकि हम लोग जब से भी हाउस में हैं हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है उसको हम लोग जन जन पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि पहले क्या स्थिति थी आज से बहुत पहले और आज क्या स्थिति है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आज सबके नज़र में है कि क्या है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं और आज शिक्षा व्यवस्था क्या है, पहले क्या था, ये सब आप लोग सब जानते हैं कि क्या है ना है, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी सिद्धांत हैं उनके कार्यों पे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आज उनका जन्मदिन हम अपने जगदीशपुर प्रखंड खिरीवान पंचायत में बहुत ही सब अपना साथीगण मिल के जदयू का सभी कार्यकर्ता मिल के उनका जन्मदिन मनाए। भागलपुर में हवाई सेवा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। कई बार इस पर पहल की गई लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात वाली है। हवाई सेवा को लेकर राजनीतिक दल हवाई बयानबाजी करते दिखते हैं लेकिन इससे हटकर हवाई सेवा संघर्ष समिति द्वारा लगातार धरना जारी है। यह धरना समाहरणालय के पीछे वाले भाग में निरंतर चलती आ रही है। वही धरना पर बैठे सुबोध मंडल और बंसीलाल कन्हैया ने कहा कि जब तक भागलपुर में हवाई सेवा शुरू नहीं हो जाती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। धरना का उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव के पहले हमको हवाई जहाज चाहिए भागलपुर से, मुख्य उद्देश्य यही है। ऐसे ये डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो डीएम साहब हैं इनको पटना विमान भवन से निदेशालय से चिट्ठी आई है 475 एकड़ जमीन जो है उपलब्ध कराइए हवाई जहाज चला देंगे। ऐसे डीएम साहब परसों यानी बुध को गौराडी के मोहनपुर में जाकर जमीन को देखे हैं और चिन्हित किए हैं और सीओ साहब को भी ले गए थे, कहते जहां अतिक्रमण है उसको हटाइए और 475 एकड़ जमीन उपलब्ध कराइए और हवाई जहाज शुरू हो जाएगी। धरना का उद्देश्य है कि यहां से शीघ्र हम लोग को हवाई जहाज सेवा मिले। ये प्रक्रिया कब से चल रही है? बहुत दिन से।
क्या लगता है कि ये मांग आपकी पूरी हो जाएगी? मेरा उम्मीद है, तब तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। कब से चल रहा है ये आपका अनशन? बहुत दिन हो गया करीब, हमको लगता है कि 2 साल से तो जरूर चल रहा है लगातार। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देगी? उम्मीद तो है, वहाँ से कुछ पत्र वगैरह भी शायद जिलाधिकारी महोदय को आया है जमीन एक्वायर करने के लिए, तो परसों खुद ही जमीन का निरीक्षण करने भी गोराडी गए थे जिलाधिकारी महोदय जी, तो उम्मीद तो कुछ जग रहा है हम लोगों को। देश को आजादी मिलने से 75 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी देश में कई कमियां हैं, चाहे वो आर्थिक कमियां हों, न्यायिक कमियां हों, राजनीतिक कमियां हों या अन्य कई तरह की कमियां। इसे दुरुस्त करने और आम लोगों को सामान्य लाभ मिलने को लेकर शहरवासियों ने जनता रैली निकाली। युवा छात्र महिला मुक्ति मंच एवं कई संस्थाओं के तत्वाधान में संयुक्त रूप से यह जनता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, मौलिक से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले, हर क्षेत्र में लाभ मिले, इसको लेकर प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान भागलपुर शहर के कई क्षेत्रों से लोग उपस्थित होकर अपनी आवाज बुलंद की। धरना का उद्देश्य है, देश को आजादी मिलने से 75 वर्ष से अधिक बीत गया, संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का जो है आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समान अवसर के लाभ से जनता अभी तक वंचित है। देश की 100 करोड़ से अधिक आबादी जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, वैसे लोगों को आर्थिक न्याय के अंतर्गत 10,000 रुपया महीना वोटर पेंशन मिले और राजनीतिक हिस्सेदारी में राजनीतिक न्याय के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभी सीटों पर पृथक निर्वाचन द्वारा पार्टी विहीन चुनवाकर सभी सदनों में भेजा जाए। सीएम, मंत्रिमंडल और विभिन्न आयोगों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को शामिल कर, जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है वैसे लोगों को हिस्सेदारी मिले। जो लोग गरीब लोग जो गरीबी महसूस करते हैं उनको पता है तकलीफ क्या चीज़ होती है। अमीरों, धनाढ़ों, पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है, चाहे सभी जनप्रतिनिधित्व के जगह पर राज्यसभा लोकसभा तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुखिया वार्ड भी गरीब आदमी नहीं बन पा रहा। इसके लिए गरीबों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का काम है। उच्च शिक्षा प्राप्त जिन्होंने कर लिया, नौकरी उनको नहीं मिली तो उनका जो है लोग मजाक उड़ाते हैं। वैसे स्थिति में देश में विद्वानों की संख्या बढ़े, उच्च शिक्षा प्राप्ति वालों को शिक्षा सम्मान पेंशन दिया जाए 10,000 रुपया महीना, जिससे कि शिक्षा को बढ़ावा मिले और उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, मास्टर, पीएचडी, मास्टर डिग्री, न्यूनतम मास्टर डिग्री तक वाले को शिक्षा सम्मान पेंशन दिया जाए।